भर में कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है और इस दहशत की वजह से देश भर में लॉकडाउन भी जारी किया गया, लेकिन फिलहाल अनलॉक 2 की शुरुआत भी हो चुकी है और अनलॉक 2 में आम जनता से लेकर बॉलीवुड के सेलेब्स भी जरूरत के हिसाब से घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच आम जनता से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलेब्स को कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और लगातार अपनी परेशानियों को शेयर करते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। हाल ही में बिग बॉस सीजन 8 के एक्स कंटेस्टेंट और रेडियो जॉकी प्रीतम सिंह ने अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस महामारी के चलते प्रीतम सिंह कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रीतम सिंह ने अपनी हालत के बारे में बताया है। इस महामारी के चलते उन्होंने कितनी बड़ी परेशानियों का सामना किया है और अब भी कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रीतम सिंह ने बताया कि उनके पास कोई भी काम नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है और ये उनके लिए आने वाले दिनों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। वह अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान है। दरअसल आपको बता दें, प्रीतम सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है, महामारी के कारण बहुत से लोगों को अभी भी दुखों का सामना करना पड़ रहा है, मैं उनमें से एक हूँ। मुझे होस्ट के रूप में रेडियो का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। 6 महीने पहले मैंने रेडियो ये सोचकर छोड़ दिया था कि टीवी होस्ट के रूप में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अचानक कोरोना के कारण मैं बिना किसी काम के रह गया हूँ। मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि आगे क्या होने वाला है। और इस तरीके से इतना लंबा पोस्ट शेयर करके प्रीतम सिंह ने अपने दर्द को बयां किया है। वहीं साथ ही साथ प्रीतम सिंह ने आगे लिखा है कि वह सकारात्मकता के साथ देख रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। इंडस्ट्री में देखा जाए तो जल्द ही काम करना शुरू हो जाएगा। कोरोना के चलते फिल्म इंडस्ट्री में काम बंद था। साथ ही साथ आपको बता दें, इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें बहुत ही सोच में डूबे हुए हैं प्रीतम सिंह और खिड़की के बाहर देखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।